इंदौर में नव आरक्षकों को बम डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही ट्रेनरों द्वारा नव आरक्षकों को खतरनाक बमों के बारे में जानकारी दी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। ये नजारा है इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का, जहां बम निरोधक दस्ते द्वारा बम को डिफ्यूज करने का काम किया जा रहा है। दरअसल पुलिस प्रशासन द्वारा पीटीएस में नव आरक्षकों के लिए बम निरोधक दस्ते द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि किस तरह से बम को पहचानना है और कैसे उन्हें सावधानी बरतना है। करीब 1200 नव आरक्षकों को ये ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान बेसिक ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण एक्सप्लोसिव की जानकारी दी गई। यहाँ पर लगभग 4 कोर्स अभी वर्तमान में संचालित हैं, जिसमें जिला बल का है, एसएएफ का है, रेडियो का है और कंप्यूटर के है। तो लगभग 1200 बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन सभी बच्चों को बम के संबंध में जानकारी प्राप्त देने के उद्देश्य से ये कोर्स का आयोजन किया गया है। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण एक्सप्लोजिव हैं जो बेसिक ट्रेनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे TNT, PEK या हमारे अन्य दूसरे एक्सप्लोजिव डिटोनेटर्स, सेफ्टी फ्यूज जो हमारे पास उपलब्ध था, उनकी ट्रेनिंग हमने नवारक्षकों को दी है। उनको दिखाया है कि एक्सप्लोजिव किस तरीके होते हैं, उनको देख के कैसे पहचान सकते हैं। बम सूट जो है आवश्यकता अनुसार पहना जाता है, उसका लगभग 25 से 30 किलो के बीच में वजन होता है, और जहाँ पे हमें कन्फर्मेशन होता है विभिन्न इक्विपमेंट की सहायता से और कोई आईडी लग रही है, तो उस वक्त हम एक बम सूट पहन के काम करते हैं। और साथ ही मैंने नवारक्षकों को ये भी बताया कि जब कभी कहीं पे कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है या संदिग्ध वस्तुओं की सूचना मिल रही है, तो उस वक्त उन्हें क्या करना है। किसी स्थान पे अगर मिला है तो उस स्थान को खाली कराना है, उसको कार्डन ऑफ करना है, वहाँ से अगर ट्रैफिक चल रहा है तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा किसी बिल्डिंग में अगर बम की सूचना मिली है तो उस बिल्डिंग को खाली कराना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर इस ट्रेनिंग का उद्देश्य था कि ड्यूटी के दौरान अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो किस तरह से पुलिसकर्मी सावधानी पूर्वक आम लोगों को बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।